विंध्य क्षेत्र के सीधी जिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री सहित भाजपा प्रत्याशी रीति पाठक सहित रीवा के प्रत्याशी मौजूद रहे। देश की सुरक्षा सुरक्षा के अग्रिम मोर्चे पर बेटियों को तैनात करने का फैसला लिया गया है। पहली बार महिला फाइटर पायलटों ने देश की ताकत बढ़ाई है और इसमें भी मेरे रीवा की बेटी, मध्य प्रदेश की बेटी, उसने भी देश का नाम रोशन किया है। राष्ट्र रक्षा के लिए लड़ना, राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित होना सम्मान की बात है। लेकिन कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहे एक मुख्यमंत्री ये सोचकर के आप चौंक जाएंगे, मुझे मालूम नहीं है। नई सरकार बनने के बाद मीडिया वाले कुछ लिख पाते हैं, नहीं लिख पाते मुझे पता नहीं है। उनकी तकलीफ हो सकती है क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है, इसलिए शायद ये बात जब भी छपी हो आगे भी छपेगी नहीं, मुझे भरोसा नहीं है। लेकिन मैं बता देता कर्नाटका में एक मुख्यमंत्री जो सरकार कांग्रेस चलाती है, मुख्यमंत्री ने एक गंभीर प्रकार का बयान दिया। तुमने मेरे रक्त पत्थर छिपाए, परिणाम यह हुआ, छिपाने की नहीं और परिणाम यह हुआ कि सरदार कुछ राज्य कर दिया, उनको हरा दिया। मैंने सोचा क्या पत्थर छिपाने आ गई होगी, लेकिन अभी भी नहीं आई। बैन रीति पाठक पे जिस तरह से उन्होंने कमेंट किए, भारत की नारी का उन्होंने अपमान किया है। गंगा गीता गायत्री है नारियां, सीता सत्ता सावित्री है नारियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है नारियां। जैसी टिप्पणी बहन रीति पाठक पे की, वो आप स्वीकार करोगे